सिनेमा में मालामाल वीकली, जाल द ट्रेप और गैंग्स ऑफ वासेपुर में जबरदस्त एक्टिंग करने वाली रीमा सेन का 29 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। रीमा ने अपने फिल्मी करियर में केवल 8 बॉलीवुड फिल्मों में ही काम किया। फिल्मों में सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी और घर बसा लिया। कोलकाता में जन्मी रीमा अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। रीमा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। रीमा ने शुरुआती दौर में कई कंपनियों के लिए विज्ञापन किए। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। रीमा की पहली फिल्म चित्रम थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म में रीमा ने उदय किरण के अपोजिट काम किया था। रीमा ने फिल्म हम हो गए आपके से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में रीमा ने फरदीन खान के साथ काम किया था। साल 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। बॉलीवुड में साइड एक्ट्रेस बनकर रह गई रीमा का नाम साउथ की सफल एक्ट्रेस में शुमार है। साल 2006 में रीमा अपने एक फोटोशूट को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गई थी। उन्होंने एक तमिल न्यूज़पेपर के लिए यह फोटोशूट करवाया था। मदुरई कोर्ट ने रीमा सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। रीमा के साथ शिल्पा शेट्टी का नाम भी इसमें शामिल था। आरोप लगाया गया था कि रीमा और शिल्पा ने जो फोटो खिंचवाए हैं वह अश्लील हैं। रीमा ने साल 2012 में बिजनेसमैन शिव करण सिंह से शादी कर ली थी। इसी साल रीमा ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी काम किया था। फिल्म में रीमा ने कई बोल्ड सीन दिए थे जिस वजह से वो चर्चा में आ गई थी। अब रीमा सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रही हैं। रीमा का एक बेटा भी है।